हेलो एवरीवन आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विंग पर बहुत बहुत स्वागत है आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं जो छोटो और बड़ों दोनों के लिए यूजफुल हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सपोज आप एक स्टूडेंट हैं और आपको क्लास में इंट्रोडक्शन देना है या किसी इंटरव्यू में आपको इंट्रोडक्शन देना है या किसी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन देना है तो आप क्या करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इंट्रोडक्शन इज फर्स्ट इम्प्रेशन एंड फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप है ग्रीटिंग जब भी आप किसी से मिलते हैं आप हिंदी में कहते हैं नमस्ते इंग्लिश में कहते हैं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग हाय हेलो हे व्हाट्सअप का यूज नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ही इनफॉर्मल है आपको फॉर्मल बनना है इसके लिए दोपहर बारह बजे तक गुड मॉर्निंग का यूज करें दोपहर बारह से शाम पाँच तक गुड आफ्टरनून आ, और शाम पाँच बजे के बाद गुड इवनिंग का यूज करें तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप ग्रीटिंग इसके बाद आप बताते हैं नेम इसमें आप चार सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं पहला है हमारा दिस इज डैश सेकेंड है आई एम डैश थर्ड है माई सेल्फ डैश फोर्थ है माई नेम इज डैश कोशिश करिए थर्ड वाला यूज ना करें सबसे बेस्ट है फोर्थ वाला एग्जाम्पल के लिए मैं यूज करूंगी माय नेम इज सिद्धि थर्ड है प्लेस आप कहाँ से हैं तो इसके लिए आप यूज करेंगे आई बिलोंग टू और जगह का नाम या फिर आई एम फ्रॉम जगह का नाम अगर आप सेम सिटी से हैं तो आप यूज करेंगे आई बिलोंग टू जगह का नाम इट्स इस तरीके से हम अपनी प्लेस के बारे में बताएंगे। जब भी आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, तो आप एक सेंटेंस रख लीजिए अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई है कौन कौन है फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर सिस्टर नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन अपनी क्वालिफिकेशन uh, के बारे में बताने के लिए अगर आप स्कूल में हैं तो यूज़ कीजिए आई एम इन क्लास डैश आई एम इन डैश स्टैंडर्ड अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो आई एम ग्रेजुएट पोस्ट या पोस्ट ग्रेजुएट आई एम सुन आई एम इन का यूज कीजिए फॉर एग्जाम्पल आई से अपनी हॉबीज बताने के लिए आप यूज करेंगे फर्स्ट आई लाइक टू सेकेंड आई एम गुड एट थर्ड माई हॉबी इज फोर्थ आई लव अगर आपकी हॉबीज एक से ज़्यादा हैं तो आप यूज़ करेंगे माई हॉबीज आर और हॉबीज फॉर एग्जाम्पल आई विल से आई लाइक टू डांस या फिर माई हॉबीज आर डांसिंग एंड प्लेइंग तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इंट्रोडक्शन देने के बाद लास्ट स्टेप है एंड कैसे करना है तो एंड के लिए आप बोलेंगे That's all about me. Thank you. तो इस तरीके ऐसी आप दे सकते हैं एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा ऐसी ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू